नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे यात्रियों को देगा बड़ी सुविधा, छा गई बिहार की महिला दरोगा। बिहार के 6 जिलों में डेंगू के सर्वाधिक मामले। विशाखापट्टनम में भी लहलहाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। सूर्य कुमार यादव का लगातार दूसरा अर्धशतक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने अपरिहार्य कारणों से जनता दरबार किया स्थगित। सीएम नीतीश ने आज के अपने जनता दरबार को स्थगित कर दिया है। बता दें कि अक्टूबर महीने में तीसरे सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट सचिवालय ने 12 अक्टूबर को पत्र जारी कर 17 तारीख यानी कि आज की जनता दरबार के बारे में जानकारी दी, फिर बीते 15 तारीख को स्थगित किए जाने का पत्र जारी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को गंगा घाट के निरीक्षण के दौरान गंगा नदी में स्टीमर का जेपी सेतु पुल के टकराने की घटना में मुख्यमंत्री को हल्की चोट लगी थी। यही वजह है कि उन्होंने सोमवार यानी कि आज आयोजित होने वाली जनता दरबार को स्थगित कर दिया। दुरंतो एक्सप्रेस में बड़ी लूट। दिल्ली से कोलकाता वाया पटना जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में बीते रविवार की सुबह बख्तियारपुर से पहले सालिमपुर स्टेशन के पास हथियारबंद लुटेरों ने जमकर लूटपाट की। पीड़ित यात्रियों के अनुसार यह घटना रविवार सुबह 3 बजे A1, B1, B2 एवं B3 कोच में की गई है। वहीं रेल पुलिस की ओर से बतौर SP रेल ने बताया कि इस ट्रेन में RPF का स्कॉट रहता है। संयोगवश कल कोई स्कॉट नहीं दिया जा सका। बगैर स्कॉट ट्रेन को देख बदमाशों ने 2-4 यात्रियों के सामान की चोरी कर ली। एक प्राथमिकी जसडीह में की गई है। पुलिस ने उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। छा गई बिहार की महिला दरोगा। बिहार के रोहतास जिले की महिला दरोगा माधुरी कुमारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला को डूबने से बचा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दरोगा बुजुर्ग महिला को खुद अपनी गोद में उठाकर सीधे अस्पताल के बेड तक पहुंची और बेड पर लिटाकर डॉक्टरों को सूचित किया। बता दें कि एक बार पहले भी दरोगा माधुरी कुमारी ने पानी में डूब रही युवती को रेस्क्यू कर डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार देकर उसके पेट से पानी निकाल दिया था, जिसके बाद रोहतास SP आशीष भारती ने खुद डेहरी थाने में महिला दरोगा को पुरस्कृत किया था। IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने किया खुलासा। बिहार में सुपर कॉप के नाम से चर्चित IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपने निजी जीवन को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि इन्होंने यह खुलासा अपनी किताब वुमेन बिहाइंड द लायन के विमोचन के मौके पर की है। उन्होंने कहा कि बचपन में उनके परिवार की जो स्थिति थी उससे वह बेहद गुस्से में आ जाते थे। इसके अलावा उन्होंने एक बार अपने पिता की हत्या करने की सोच ली थी। लांडे ने बेहद साफगोई के साथ कबूल किया है कि उनके पिता सरकारी कर्मी थे लेकिन नशे के आदी थे। ड्रग एडिक्ट होने की वजह से परिवार की स्थिति खराब थी। शिवदीप लांडे ने कहा कि अपनी मां से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बल्कि IPS बनकर आज देश की सेवा कर रहे हैं। लांडे ने अपनी मां को समर्पित की है। रेलवे यात्रियों को देगी बड़ी सुविधा। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। अब रेलवे स्टेशन के बाहर भी यात्री अपनी सुविधा अनुसार आरक्षित टिकटों को बनवा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए रेलवे के द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले यात्रियों की जेब थोड़ी ढीली होगी। सक्षम उम्मीदवारों से कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली सह अनारक्षित टिकट केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के 3 वर्षों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि 3 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। वहीं टिकट रिजर्वेशन का समय सुबह 8:15 से रात 10 बजे तक तथा रविवार को सुबह 8:15 से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों से किसी भी तरह का रियायती टिकट का रिजर्वेशन नहीं होगा और न ही ग्रुप बुकिंग हो सकेगी। अनारक्षित श्रेणी के टिकट रिफंड नहीं होंगे। बिहार के 6 जिलों में डेंगू के सर्वाधिक मामले। बिहार में डेंगू के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मुख्यालय को राज्य में 305 नए केस मिलने की जानकारी जिलों से भेजी गई है। इनमें अकेले पटना जिले में 265 नए केस है। इसके बाद सिवान और जहानाबाद जिले का नंबर है जहां 10-10 नए केस मिले हैं। बता दें कि स्वास्थ्य समिति के अनुसार 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच राज्य में 4,958 केस मिल चुके हैं। इनमें 27 मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट बिहार में पॉजिटिव पाई गई है। अकेले पटना जिले में 15 दिनों के अंदर 3,861 केस मिल चुके हैं। इस मामले में दूसरे पायदान पर नालंदा जिला है जहां अब तक डेंगू के 273 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद मुंगेर में 88, वैशाली में 74, गया में 70 और पूर्वी चंपारण में डेंगू के 51 मामले मिले हैं।
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अभी चलेगा पटना में ही। नालंदा खुला विश्वविद्यालय को नालंदा में शिफ्ट होने में अभी और इंतजार करना होगा। अप्रैल 2022 में ही इसे शिफ्ट करने की पहल हुई थी। वहां भवन निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फर्नीचर की व्यवस्था अधीन नहीं होने के कारण वहां शिफ्ट होने में अभी और इंतजार की स्थिति बन रही है। बता दें कि NOU के लिए राज्य सरकार ने नालंदा में 10 एकड़ भूमि दी थी। इसी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय वर्तमान में विश्वकुमार भवन के दूसरे, तीसरे, चौथे एवं 12वें फ्लोर से संचालित हो रहा है। यहां पर हर माह लगभग 30 से 35 लाख रुपए किराए में देने पड़ते हैं। इन सभी परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर इसमें प्रारंभिक स्तर की चर्चा की जा चुकी है। विशाखापट्टनम में भी लहलहाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के क्षेत्र का विस्तार देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। बता दें कि विशाखापट्टनम में भी मुजफ्फरपुर की शाही लीची लहलहाएगी। इसके लिए वहां के किसान सतीश ने संपर्क किया है। किसानों को समय पर पौधा मिल जाए इसके लिए लीची बैंक यानी पौधशाला भी बनाई गई है। अभी यहां 52,700 पौधे तैयार है। बता दें कि प्रदेश में 32 से 34 हजार हेक्टेयर में लीची की पैदावार होती है। इसमें मुजफ्फरपुर में 10 से 12 हजार हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर SJ पांडे ने बताया कि लीची को GI टैग मिल गया है। लक्ष्य है कि पूरे देश में इसका प्रसार, किसानों को प्रशिक्षण व निर्यात नेटवर्क मजबूत कराया जाए। 2013 से लीची बैंक यानी पौधशाला लगाई जा रही है। विभाग की ओर से 10 लाख की राशि रिवर फंडिंग फंड के तहत दिया गया है, उससे पौधशाला का संचालन किया जा रहा है। IIT छात्र की मौत को लेकर धरना। राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमहड़ा स्थित IIT पटना के कैंपस में IIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फोर्थ रनिंग छात्र देवानंद पंडित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनटों का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही छात्रों ने IIT 2 नवंबर मुख्य गेट के पास IIT प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और IIT से टाइप ऑफ NMCH अस्पताल को बर्खास्त करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि देवानंद पंडित की अचानक तबियत बिगड़ी और NMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बिहटा के NMCH अस्पताल के लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। प्रदेश में निवेश के लिए अमेरिका में पहल। बिहार का विकास कैसे हो और कैसे बिहार में निवेश आए, इसके लिए अमेरिका की धरती पर एक पहल देखने को मिली है। अमेरिका के न्यूजर्सी में एक समिट का आयोजन किया गया। इसमें JDU विधायक संजीव कुमार भी शामिल हुए। JDU विधायक ने इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम लोगों से बिहार में निवेश करने और अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करने की अपील की है। संजीव कुमार ने कहा है कि ये सभी बिहार में उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए एक सफल व्यवसाय बनाने का एक अच्छा अवसर है। मुख्यमंत्री कुमार की ओर से मैं बजाना के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने और अपनी मातृभूमि के साथ समृद्ध होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे पास बिहार में कुशल श्रमिक हैं जो पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यदि हम आप जैसे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो हम प्रतिभा को अपने राज्य में रख सकते हैं और बिहार के निर्माण में मदद कर सकते हैं। BJP ने JDU को दिया दोहरा झटका। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही JDU और राजद को BJP ने दोहरा झटका दिया है। बता दें कि JDU को पहला बड़ा झटका हाईघाट से JDU के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के रूप में लगा है, जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरा बड़ा झटका समता पार्टी के स्थापना काल से ही नीतीश कुमार के साथ रहे सदानंद सिंह ने दिया है। गोपालगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके सदानंद सिंह ने JDU में आपसी कलह को लेकर उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तेजस्वी यादव CBI कोर्ट में होंगे पेश। डिप्टी CM तेजस्वी यादव कल यानी 18 अक्टूबर दिन मंगलवार को स्पेशल CBI कोर्ट में हाजिर होंगे, जिस वजह से आज दोपहर तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि बिहार के लिए डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए CBI के अधिकारियों को धमकी दी है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप है कि उनके खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की और देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को दिल्ली की CBI कोर्ट में जमानत खारिज करने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। CBI की तरफ से अधिवक्ता DP सिंह और मनु मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। इसके बाद विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था।
दिल्ली में एलजेपीआर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज दिल्ली में देश भर से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की गई। साथ ही 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी मंथन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यकारिणी की बैठक में इस विषय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आने वाले समय में वह किस राज्य में किसके साथ गठबंधन में जाना पसंद करते हैं या फिर अकेले वह चुनाव लड़ेंगे। चर्चा इस बात पर भी की गई है कि जल्द ही बीजेपी के साथ फिर से जाने पर जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। सूर्य कुमार यादव का लगातार दूसरा अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपनी चमक फिर से बिखेरी और टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। बता दें कि सूर्य कुमार का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यह लगातार दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी, तो वहीं इस टीम के खिलाफ दूसरे मैच में वो नहीं खेल पाए थे और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में सूर्य कुमार यादव ने अपनी चमक फिर से बिखेरी और पहले 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 33 गेंदों पर एक छक्का व 6 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम में 2 पैसे और डीजल में 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 109.17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.82 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 24 पैसे और डीजल में 22 पैसे की कमी आई है। वहीं बिहार के अररिया, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, किशनगंज, मधेपुरा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर खगड़िया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, लपुर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, गोपालगंज, कैमूर जिलों में पेट्रोल के दाम घटे हैं। डीजल की बात करें तो भोजपुर, बेगूसराय, गया, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, पूर्णिया, रोहतास और पश्चिमी चंपारण जिला में डीजल महंगा हुआ है। वहीं वैशाली, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, कटिहार, कैमूर जिला में डीजल की कीमत कम हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुभाष कुमार, सरिता पासवान, भूपेंद्र कुमार, मुतुल रंगीला, योगेंद्र झा, जुगेश कुमार, अंशु कुमारी, नुनू कुमार, राकेश शर्मा, मोहम्मद नौशद राजा, शिवम बाबू। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद लिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।